हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला क्लास होगा आपका चैप्टर 4 मैथमेटिक्स, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन। आपको पता है कि ये जो चैप्टर है ये आपको एलजेब्रिक जो मैथमेटिक्स होता है उसके अंतर्गत आता है। बहरहाल एलजेब्रा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये थर्ड चैप्टर है, और ऐसे पूरे बुक का अगर देखें तो फोर्थ चैप्टर में इसकी गिनती आ जाती है। तो जो भी हो, लेकिन वेल श्योर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। मेरा नाम है साकिब, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो पढ़ेंगे, इसके एक्सप्रेशन को, वो कुछ इस अंदाज का होता है, दैट मीन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखे गए इक्वेशन को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। वो तो आपको हम डिटेल बताएंगे ही, यहाँ पे एक सिंबॉलिक दे दिया गया है। बट ये क्या, पहली बार स्टूडेंट आप ये देख रहे होइएगा कि मैथमेटिक्स में हमने ये क्या दे दिया है, हमने एक क्रिकेट का एक मैदान दे दिया है, इधर वाटर फाउंटेन मैंने दे दिया है, इधर एक हाउस दे दिया है, ये क्या हो रहा है। एक्चुअली में अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम बेसिक फेनोमेनन, या फिर अगर हम ये कहें कि अगर हम प्रैक्टिकली अगर ये जानना चाहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहाँ यूज़ होता है, तो जनरली जो कंस्ट्रक्शंस करने वाले जो इंजीनियर होते हैं, या फिर अगर देखो ना, मैं एक एक करके मान लेता हूँ कि आपका ग्राफ ए है, तो ए ग्राफ में मान रखो कि यहाँ ये जो बैटमैन्स है ये बॉल को शूट करेगा। ऑफ कोर्स तो कुछ हो सकता है कि कुछ आपको इस दिशा में जाए, है ना, कुछ इस दिशा में जाए, और कुछ हो सकता है कि सीधा स्ट्रेट ड्राइव चला जाए, है ना, या फिर हो सकता है कि कुछ इस दिशा में फॉरवर्ड आए, यानी कि अलग अलग दिशा में आपको बॉल जाने की संभावना बनती है, बैक एंड फ्रंट। अब अगर इसमें से मैं एक भी अगर स्ट्रेच को अगर मैं ले लूं, एक भी अगर मैं पाथ को अगर ले लूं, सपोज दैट, वन सेकेंड स्टूडेंट्स, डिफरेंट कलर यूज। चलिए, तो अगर मान रखो कि इस पोर्शन को अगर हम ले, यहाँ से जो आपका केंद्रिक पॉइंट है, दैट मीन जो आपका सेंट्रल पॉइंट है, और यहाँ से इस पॉइंट को अगर मैं लूँ, ये इसका बाउंड्री है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रेच होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ होगा, उसको अगर हमें मालूम करना होगा, तो ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज होनी चाहिए। वो कैसे बताऊँगा। इसी तरह से डिफरेंट मान रखो कि अगर हमें कुछ ये स्ट्रेट ड्राइव को अगर देखना हो, यहाँ से यहीं यहाँ तक का ही, यहीं पे बॉलर ने बॉल को रोक लिया, या फिर फील्डर ने बॉल को रोक लिया, तो यहाँ अगर मैं ध्यान दूँ, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर हमें पता करना होगा इसका लेंथ, या फिर इसका स्ट्रेची, या फिर इसका पाथ लेंथ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज होगा, तभी आप इसको कर पाओगे। या फिर आजकल तो काफ़ी कंप्यूटराइज ज़माना, आप देखते होइएगा कि एक एक करके रोक रोक के जूम कर करके पूरा पाथ को एक एक करके शो किया जाता है। तो ये किस बेस पर ये बन पाया है, ये टेक्नोलॉजी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पर ही बन पाया। उसी तरह से देखिए, वाटर फाउंटेन है, वाटर फाउंटेन का एक भी अगर हम फाउंटेन को ले लें, जैसे अगर इसको अगर हम माने, तो सपोज दैट, डिफरेंट कलर यूज, जैसे मान रखिए कि इस वाले की हमने बात की थी, अगर इसको हम ले लें, अगर ये जो ग्रीन कलर से आपको मैंने जो किया है, तो इसका अगर हमें पाथ मालूम करना होगा, तो ये भी विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप नहीं जान सकते हैं, यानी यहाँ पर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह से कोई भी डिफरेंट और भी कोई अगर हम पाथ ले लें, तो है ना, फर्दर। उसी तरह से अगर हमें हाउस को अगर बिल्ड करना है, अगर कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर कोई चर्च, या फिर एनी बिल्डिंग बिल्ड अगर हमें करना है, तो वहाँ भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट होना और नॉलेज होना बड़ा आवश्यक हो जाता है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सम प्रैक्टिकल फिनोमेनन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट स्किन सेट कर लेते हैं उससे पहले। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रिकेट मैच के लिए, यहाँ पे डिफरेंट मैंने और भी एग्जाम्पल लिया है, बाइक रेस के लिए। बाइक रेस में क्या होता है कि मान रखो कि अगर कुछ इस तरह का अगर
कोई शेप है ना, और फर्दर कोई यहाँ भी इस तरह का शेप है, यहाँ पर मतलब आपका लैंड है। तो ये बाइक जो रेसर है ये क्या होता है कि यहाँ आता है और ये इस तरह से उछल के फिर ये इस प्लेस पर आता है। तो इसका जो हमें पाथ मालूम करना होता है, यहाँ भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट होनी चाहिए। उसी तरह से वाटर फाउंटेन, हाउस एंड एनी बिल्डिंग बिल्ड, सपोज दैट, देखो मैं मान लेता हूँ कि अगर ये हमारा कोई हाउस अगर दिया गया है बनाने के लिए, जिसका हमें जो बेस एरिया है वो हमें दिया गया 100 meter square, और ये कहा गया है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये जितना होगा, जैसे कि मान लेते इसको x मान लेते हैं, उसका उससे ज़्यादा, उससे लार्जर जो है आपको ये वाला एरिया होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो टॉप एरिया है। तो मान रखते हैं कि अगर हमारा एक्स है तो ये उससे ज़्यादा होगा, तो एक्स प्लस फाइव मान लेते हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, क्या कि एक्स एक्स प्लस फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारा क्या था बेस एरिया, तो ये हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू की तरफ 100। ओके, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एक्स एक्स को करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फिर 5x इज इक्वल टू 100। अब आप यहां देखें ए बी सी, तो कहीं ना कहीं ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के इज इक्वल टू जीरो के एस्पेक्ट में आ गया। दैट मीन ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिनती आ गया है कि नहीं। तो अब सोचो कि अगर हमें इसका फाइनल अगर एरिया निकालना होगा तो एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, हमें पता चल जाएगा। तो ये कैसे हमें पता चले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हमें ये निकालना होता है, ठीक है जी। अब आइए स्टूडेंट्स, हम आपको फाइनली ये बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस तरह के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हेडिंग दिया गया है, सम एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखें नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊँ तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसमें कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, दैट मीन वेरिएबल किसको कहते हैं, जो लेटर में लिखा है था ABCD वगैरह, और कॉन्स्टेंट जो हमारा नंबर में होता है, अंक में होता है। तो ज़्यादातर जो हमारा वेरिएबल होता है वो एक्स में ही होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2x² प्लस 11x प्लस 14 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ भी देखिए ABC हो गया इज इक्वल टू जीरो भी है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टेंट होता है उसको हटा कर सीधा सीधा शुरुआत आपको वेरिएबल से भी हो सकता है, जैसा कि ये वाला। कभी कभी क्या होता है कि एक्स, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स का ही यूज़ किया जाता है, बट अदर टाइम कभी कभी ये भी होता है कि हम एक्स को छोड़ के कोई दूसरे लेटर को भी ले लेते हैं वेरिएबल। जैसे यहाँ देखिए A² लिया गया, यहाँ देखिए इसी में अगर हम यहाँ कॉन्स्टेंट को हटा दिए तो यहाँ देखिए और तीसरा एक वेरिएबल आ गया, P² आ गया। तो इस तरह से अगर फाइनली आप इस सबको अगर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा कि AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में टोटल लिखा गया है। और अगर आप ध्यान दें तो इसमें एक और चीज़ है कि सबका जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो दो है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी। तो ये तो कहा जाए भाई क्लियरली ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह होगा जो इस फॉर्म का हो, प्लस जिसका पावर जो है वो कितना हो जाएगा, पावर दो होनी चाहिए। आ रही है बात कुछ समझ में, पावर कितना होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें यहाँ से निकल रही है। बट सम टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, जैसे x+1, ठीक है, x+4 इज इक्वल टू 10 x+1। ये देखिए, ये आपसे अगर पूछा जाए तो इजीली कहिएगा कि सर ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको AX² प्लस BX प्लus C के हिसाब से दिख नहीं रहा, x² भी नहीं है। बट इतना जल्दी आपको फैसला नहीं करना है। आप क्या करोगे कि इसे थोड़ा सॉल्व करके देख लो। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस दोनों को आपस में लेंगे तो x² प्लस 5x प्लस
फोर इज इक्वल टू फोर, टेन से इसको करेंगे इस ब्रैकेट में, तो हमारा क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस एज इट इज टेन। ठीक है, अभी तक कोई खास हमें पता नहीं चल पाया। हाँ, ये है कि चलो एक्स स्क्वायर में आ गया, बट इसे हम एक और स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि और अच्छे से पता चल जाए। चलिए करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स बराबर के इधर उधर लेफ्ट राइट करके देखेंगे, उसके बाद माइनस सिक्स टेन एक्स एंड फोर को आपस में करेंगे इज इक्वल टू जीरो। अब यहां देखें आप, ये तो फाइनली आपको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी पर आ गया, दैट मीन ये हमारा जो है बच्चा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई बात समझ में? तो फर्दर ऐसे अगर हम सॉल्व करके देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हर एग्जाम में आता है, आपको इस तरह से दे देता है और कहेगा पहचानने के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस निम्न में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं, आप लोग इसको उतारते भी चलें, मतलब बात चली है तो चलो एक आग और भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेट्स डिफरेंट कलर, जैसे मान रखिए कि आपको इसी तरह से, क्योंकि अब तो आपको ऐसा जहां मिलेगा फटाक से बोल दीजिएगा कि हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके सही कंसेप्ट के लिए एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, x प्लस वन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, समझते भी रहिए और उतारते भी रहिए, प्लस ब्रैकेट के बाहर आप x लिख देंगे। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, देखो ये लगभग शक्ल से तो लग ही रहा है, बट मैं फिर भी कहूँगा कि आप इसको एक बार देख लो सॉल्व करके कि क्या वाकई में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोनों ब्रैकेट के अंदर तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स करके एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एन वन सिक्स एक्स प्लस फाइव, इधर देखेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, एक्स और एक्स अंदर और बाहर वाला एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक्स टू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, एक स्टेप और सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ तक सही उतना अच्छा से पता नहीं चल रहा, हालांकि जो जहीन लोग होंगे समझ में आ गया होगा, फिर भी थोड़ा सा और आसान करते हैं ताकि हर कोई समझ जाए। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है, और इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा ज़ीरो। समझ गए होइएगा इतना, क्यों कैसे आ गया, देखिए एक तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा, उसके बाद तो आपको यही आना है, ठीक है ना। तो 4x प्लस फाइव, अब देखिए ये ax प्लस बी तो हुआ, c का पते नहीं है, इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो फाइनली ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा जो हमें क्वेश्चन दिया गया था। अब देखिए दोनों का शक्ल देखने में लगभग एक जैसा है ना, तो इसीलिए कहता हूँ सूरत पे मत जाओ, थोड़ा सोच समझ के बनाओ, ठीक है ना। चलिए अच्छा लग रहा है, कुछ क्वेश्चन और भी लेके देखते हैं ताकि आप चुके नहीं किसी तरह से, और आपको मॉडल सेट भी हम देंगे हर पार्ट में देंगे इस तरह का आपको सॉल्व करने के लिए, ताकि आप घर से और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। चलिए इसको जो लोग नहीं उतारे फटाफट उतार भी लें, आगे हम लेते हैं डिफरेंट कलर यूज़। चलिए ठीक है जी, मान रखते हैं कि आपको कुछ ऐसे दिया जाए कि x प्लस वन बाई एक्स, यानी कि आपको v बाई क्यू के रूप में भी आपको आता है क्वेश्चन, बराबर सिक्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, देखो शक्ल से तो लग रहा है कि होनी चाहिए, एक्स एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें भी बी तक ही रुक जाएगा, सी शायद ना आए, क्योंकि दो ही स्टेप हमारे पास है। बट ध्यान रखना कि तीसरा स्टेप इधर सिक्स है, वो इधर आके आपको काम बना सकता है, न भी लाओगे तो आप फिर भी आपको सी तक आ जानी चाहिए ऐसा लग रहा है।
बट हमें सॉल्व करके देखना, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये बटा पर का जोर है तो फटाफट कर लो। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप और, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स एक्स। अब थोड़ा गौर से देखिए, एक्स बी और सी तीनों आ गया ना, इसका मतलब कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगा, और जब ये होएगा तो ये भी होएगा। कुछ बात समझ में आई, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। दैट्स ऑल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से फर्दर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूं अच्छे से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स फर्दर आपको कर के देखना होगा डिफरेंट क्वेश्चंस, तब जाके आप फाइनली पता लगाओगे कि एक तो आपको एक फॉर्मूला पर भी आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, तो कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको, इक्वेशन देखने में बिल्कुल ना लगेगा। देखो ना कहाँ से आप शुरू किए थे, ये सब देखो क्लियर समझ में आ रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बट इस सब में देखो कितना डिफरेंट था, एक ही जैसा एक में है एक नहीं, तो सॉल्व करके देख लोगे फाइनली जो इक्वेशन आएगा वहां से हमें ये पता चलेगा। इतना पढ़ने के बाद इतना तो हमें क्लियर समझ में आ गया कि ये जो चैप्टर है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसी तरह से व्हाट इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो भी आपको इसमें पढ़ना है। उसी तरह से बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू सिचुएशन रिप्रेजेंट मैथमेटिकली, हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिचुएशन को या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, जब आप पूरा ये चार टॉपिक पढ़ चुके होंगे तो आपको ये भी बताया जाएगा कि इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। यानी फाइनली पांचवें टॉपिक में आके आप एग्जाम को क्रैक करने के लायक बन जाओगे। तो आइए फटाफट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपने पहले भी किसी टीचर से पढ़ा होगा, तो सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा। दैट मीन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हम लिख रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। जैसे आप लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट अगर हम जीरो को अगर ऐड कर, सॉरी इज इक्वल टू दे के अगर जीरो लिख दे, यानी इज इक्वल टू का अगर साइन आ गया, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन यहीं से आया है इज इक्वल टू से, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब अगर यहाँ फर्दर अगर हम बच्चा ध्यान दें तो एक चीज हमें स्पष्ट रूप से समझ में यहाँ पे आने वाली है कि ए जो यहाँ हमें दिया गया है वो ए क्या है, ए हमारा ए नॉट जीरो होनी चाहिए, यानी है यहाँ पर। उसी तरह से अगर हम फिर दूसरे तरफ अगर हम देखें तो ये और ये तीनों जो है बच्चा, ये आपको क्या है, ये तीनों आपको रियल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रियल नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, अब देखें इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड हेयर ए नॉट जीरो। इतना से तो यही समझ में आया जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, इससे है ना, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे
ठीक है, 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी तरह से और भी आप किस चीज का एग्जांपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपने फर्दर ऊपर भी देखा है, हुआ ना x² बी और सी इज इक्वल टू जीरो भी है, ये तो और आसान है। इसी तरह से 7x माइनस 4x² प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ये कैसा लग रहा है आपको? ये भी है, हाँ इतना है कि इसको थोड़ा सा हम हल्का सा और अच्छे से इलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 3, अब ये थोड़ा सा हमारा सिस्टमैटिक हो गया। चलिए बहरहाल, तो इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। अब ये आएगा कि नहीं आएगा, इसको सॉल्व करके देख लें, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है ना। तो आइए इसको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को तो सॉल्व करके ही देख लो तो बेहतर होगा। तो क्या होगा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स एक्स ब्रैकेट से आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4, थोड़ा गौर से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर किधर होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स प्लस 8 और 4 बराबर किधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 12 बराबर 0, खेला ख़त्म इसका। अब देखिए ए बी तो है, इसमें सी है ही नहीं है, सी नहीं है मतलब कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, जबकि देख लीजिए स्टार्टिंग में लग रहा था, तो कितना अजीब मामला है। तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से कि इट इज नॉट दी फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फर्दर इस तरह से सॉल्व करेंगे, दैट मीन देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इस तरह से फाइनली आप सॉल्व करने के टाइम बनाओगे। तो स्टूडेंट इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएगा कि पहचानना होगा किस तरह से क्वेश्चन आएगा, चलो फाइनली मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखो जरा यहां पर क्वेश्चन आपको आएगा कि चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला जो है एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये शायद, हाँ ये देखो प्लस 8 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स एक्स प्लस 1, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया सॉल्व करके। उसी तरह से आपको जो एच वर्क यहाँ से है, ये आपको पूरा फाइनली सॉल्व करना है। पहला आपको ऊपर मैंने सॉल्व कर ही दिया है, दूसरा यहाँ पर आप सॉल्व कीजिएगा, फिर यहाँ से पूरा फर्दर आपको खुद से करना है। जैसे यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से जांच करके देखिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है ना। अब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए दैट मीन हमें ये देखना होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को फॉर्म में है कि नहीं है। दूसरा जो हमारा एक्सपोनेंट होगा, दैट मीन जो हमारा पावर होगा, वो हमारा 2 होनी चाहिए,
ये अगर शर्त को अगर फुलफिल कर रहा है कोई भी इक्वेशन, तो समझ जाना कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। काफ़ी है जितना मैंने आपको बताया है, फाइनली आप इसे समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको एक एक इसका सॉल्यूशन भी आपसे मैं देखूंगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा भी, फिर आपको आगे इसका जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट, वॉच द वीडियो।